बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि लुबना ने आपको बताया था कि मैं फैसलाबाद गई हुई थी और अब मैं वहाँ से आ गई हूँ। तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं हमें आए हुए। तो फैसलाबाद में हमें बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। तकरीबन हम 25 दिन रहकर आए हैं। सब घर वाले बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, भाई और लुबना सब बहुत मिस कर रहे थे, अब्बू भी बहुत मिस कर रहे थे। फिर जैसे ही आए तो सब बहुत खुश हो गए। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे चना पुलाव। लुबना ने फरमाइश की है कि मुझे चने वाला पुलाव खाना है, उसमें आप बनाओ। तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ चने वाला पुलाव। तो अभी मैंने यहाँ पे बर्तन धोए, ये देखें, और ये दूध उबाला है, और ये टमाटर वगैरह मम्मी ने काट दिए हैं, मैंने लहसुन अदरक भी निकाल लिया है फ्रिज में से। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं। अभी अभी मैं यहाँ पे नाश्ते से हम लोग फारिग हुए, नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए हैं। हम बहुत जल्दी खाना पका लेते हैं क्योंकि दोपहर में हमारे घर गैस बिल्कुल भी नहीं होती। 11 बज रहे हैं और लुबना जो है अपना स्टिचिंग का काम देख रही हैं और मैं जो हूँ यहाँ पर कुकिंग कर रही हूँ। जी, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि फैसलाबाद में क्या क्या हुआ। फैसलाबाद में बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े मज़े के देसी खाने खाए, देसी घी लस्सी पी। वहाँ पे ठंड भी बहुत थी लेकिन हमने फिर भी बहुत इंजॉय किया। शुरू के 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन हम लोगों ने फिर भी बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद जो है वहाँ भी धूप निकलना शुरू हो गई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था वहाँ पर भी। और मैं तकरीबन जो है 4-5 साल बाद गई हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। सब बहुत खुश थे, सब ने कहा कि बहुत अच्छा किया आप आए हो। अब सब यही कह रहे हैं कि अब जब आओ तो सारे आना या फिर लुबना को भेजना, क्योंकि लुबना भी बहुत अरसे से नहीं आई है पंजाब। तो हमने कहा ठीक है। ये देखें हमारे प्याज तकरीबन फ्राई होने वाले हैं और यहाँ पे मैंने जो है मसाला बना के रख लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक डाला है मैंने, काली मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, लौंग डाले, इलायची डाली है, हल्दी मैंने नहीं डाली क्योंकि इस पुलाव में हम लोग हल्दी नहीं पसंद करते। तो ये सारा मसाला मैंने यहाँ पे रख लिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब इसमें डाल के। अब जैसे ही प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल के तो ये मसाला डालूँगी, फिर इसको भूनूँगी। मसाला हमारा भुन गया था, मैंने इसमें चने शामिल कर दिए हैं। अब थोड़ा सा चनों को भूनूंगी, फिर इसमें पानी ऐड करूंगी चावलों का। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है चावलों के हिसाब से। अब जैसे ही इसमें बॉईल आएगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। मैंने यहाँ पे मसाला भूनने के बाद पानी शामिल कर दिया है चावलों के हिसाब से। अब इसमें जैसे ही बबल्स आएंगे तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे उबल गया है, अब मैं इसमें ये वाले चावल शामिल करूँगी। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा दिया है, देखें बहुत ही लो फ्लेम पे ये पकेंगे। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसका दम खोलूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं हमारा चना पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे अब हम इस दम खोलने लगे हैं चावलों का। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा हमारा पुलाव लग रहा है, जबरदस्त। आप लोग ज़रूर चना पुलाव ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ पे जो है हम चावल ट्राई करने के लिए प्लेट में निकालेंगे, फिर हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है हमारा चना पुलाव। मम्मी को भी ले जाके मैं चखा कर आती हूँ कि भाई बताएं चना पुलाव कैसा लग रहा है आपको। माशाल्लाह, सो टेस्टी, सो नाइस। जी, तो ये चावल मैंने मम्मी को भी टेस्ट करवाए, वो भी कह रही हैं माशाल्लाह बहुत मज़े के हैं।
और मैं खुद भी ये टेस्ट करने लगी हूँ। माशाल्लाह चावल वाकई बहुत मजे का बना है हमारा खाना पुलाव, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी करते हैं आज का व्लॉग हम ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।